अम्मा तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोच के फवाद से मेरी शादी की थी ना, वो तुमने बिल्कुल ठीक किया था। और तुम जो कुछ चाहती थी ना, वो हो गया। क्या तुम मां बनने वाली है? कैसे बताओ अम्मा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। खुदा ने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। कितना जबरदस्त रूम है। अभी अम्मा को बताती हूँ। हेलो, सलाम अलैकुम अम्मा। अम्मा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई? नहीं, अम्मा को भी बता दे ताकि वो भी खुश हो जाए। अम्मा तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोच के फवाद से मेरी शादी की थी ना, वो तुमने बिल्कुल ठीक किया था। और तुम जो कुछ चाहती थी ना, वो हो गया। क्या तुम मां बनने वाली है? अरे नहीं, वो भी बन ही जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल बात कुछ और है। अरे तो क्या बात है, पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ बताओ। कैसे बताओ अम्मा, इतनी खुशी हो रही है मुझे। आपको पता है, फवाद मुझे पहली बार इस्लामाबाद लेकर आए। अकेले आए हम दोनों। इतने बड़े होटल में ठहरी हुई हूँ मैं। इतना अच्छा कमरा है कि मैं बता नहीं सकती अम्मा। तो पता है अम्मा, जो मैं ख्वाब देखती थी ना, आज लग रहा है वो हकीकत में मेरे सामने आ गए। इतनी खुशी हो रही है मुझे तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सुन, सारा तो साथ नहीं आई है? नहीं, वो आती तो क्या मैं इतनी खुश नजर आती तुम्हें? इंशाल्लाह अब तू ऐसी ही खुश रहेगी। जितनी बातें मैंने सारा को सुनाई है ना, अब वो तुझसे दूर ही रहेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने अम्मा। और तुम्हारे जाने के बाद ना, मैंने भी अच्छी खासी सुना दी थी उसे। अब फवाद के पास वो कमी दिखेगी मुझे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर ऐसा हो गया ना, तो समझो तुम्हारे तो ऐश ही ऐश। अरे अम्मा, ऐश तो अब शुरू हो चुके हैं तुम्हारी फरवा के। देखती जाओ बस। अच्छा चलो, बाद में फोन करती हूँ। अभी मुझे कमरा, चीजें सब एंजॉय करनी है। अल्लाह हाफिज।